मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग समझेंगे, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। इसका प्रिंसिपल क्या है पहले देखिए, इसका यूज क्या है। किसी भी सर्किट के अंदर करंट के एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए कि सर्किट में करंट है या नहीं, इसको देखने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल यह है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज सस्पेंडेड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ये हम लोग पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं, जिसको नहीं पता हो पहले ये पिछले बार लेक्चर देख लो, उसके बाद ये समझे कि जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करी जाएगी तो उस पर एक टॉर्क लगेगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके, ये इसका प्रिंसिपल, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल। अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ये है कि इसमें हम लोग टू मैग्नेटिक पोल्स लेते हैं कॉनकेव इन शेप। देखिए इनका शेप कॉनकेव हो गया ऐसे, ये कॉनकेव मैग्नेटिक पोल हो गए N और S। यहां पे बीच में हमने ये रखा है सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो बना हुआ है सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। अब कुछ लोग रहेगा ये सिलेंडर कहां से, तो यहां पे हम लोग सिलेंडर ऐसे नहीं रखे, सिलेंडर का बेस रखे हुए। ठीक, तो ये हो गया सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। ये करता क्या है, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड कॉनकेव मैग्नेटिक पोल से बनती है उनकी शेप को भी बढ़ाता है। कॉनकेव मैग्नेटिक पोल से एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है ये हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, अब ये हो गई आपकी सॉफ्ट आयरन कोर, ये N और S, ये मैग्नेटिक पोल्स हो गए। यहां पर एक लगा होता है इसको सपोर्ट करने के लिए स्प्रिंग SP, ये स्प्रिंग हो गई। अब इस सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर पे हम लोग कॉइल को लपेटेंगे, कॉइल को इस तरह से लपटी हुई है। ठीक, इस तरह से हम लोग कॉइल को लपेटते हैं, जैसे ही इसमें करंट फ्लो करते हैं तो ये कॉइल में डिफ्लेक्शन हो जाता है। स्टार्टिंग में कॉइल इस पोजीशन पे होती है, फिर जैसे ही करंट फ्लो करते हैं तो डिफ्लेक्शन हो जाता है। डिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए एक पॉइंटर लगा होता है, और पॉइंटर के सामने एक स्केल लगा होता है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है, और N और S की कॉनकेव मैग्नेटिक पोल की वजह से हमें यहाँ पे एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है। इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल पे लगने वाला टॉर्क कॉइल की ईच पोजीशन पर मैक्सिमम होता है। कैसे होता है ये हम लोग समझेंगे। ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, अब समझिए इससे कैसे हम लोग करंट की वैल्यू निकालते हैं, क्या करते हैं। जैसे ही इस कॉइल में आपने करंट फ्लो करा इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक टॉर्क डेवलप हो जाएगा। मैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू आप लोग पढ़ चुके हैं, NIAB साइन थीटा। ये पे N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, I क्या है, जो करंट आप इसमें फ्लो कर रहे हैं वो, और A क्या है, एरिया ऑफ लूप, B है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थीटा है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर, SP लगा हुआ है स्प्रिंग। स्प्रिंग का काम क्या है कि जैसे ही कॉइल अगर घूमी तो कॉइल के घूमने के लिए को फिर से अपनी पोजीशन पे लेके आने के लिए एक काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करता है, कि जैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन शुरू हुआ, मान लो ये कॉइल है, डिफ्लेक्शन शुरू हुआ, करंट हटाएं तो वो तुम स्प्रिंग इसको अपनी पोजीशन पे वापस लेके आए। तो स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग
कॉइल को काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो ये फील्ड लगा हुआ है ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल का ईच पोजीशन पर एंगल 90 डिग्री बनता है, इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैक्सिमम टॉर्क कॉइल को मिलता है। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा 90 कैसे हुआ ये हम समझाएंगे अभी इसके बाद। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई एन आई ए, ये हो गया टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क ऑन द कॉइल। स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग इस टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाले टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटर टॉर्क। हमने ये कहा कि अगर कॉइल का स्टार्टिंग से डिफ्लेक्शन फाई है और री स्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, मतलब यूनिट एंगल घूमने से कितना टॉर्क इसको मिल रहा है काउंटर टॉर्क, वो मान लिया के, तो री स्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट हो गया आपका के, डिफ्लेक्शन एंगल हो गया फाई, तो के फाई जो हुआ ये पूरा पूरा काउंटर टॉर्क के बराबर हो गया, जो कि कॉइल के टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसकी वजह से जैसे करंट हम लोग बंद करते हैं कॉइल फिर से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है। तो के क्या है, के है रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, और फाई क्या है, फाई है ट्विस्टिंग एंगल, कॉइल कितना एंगल घूम रही है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह देते हैं कि काउंटर टॉर्क इक्वल टू के फाइव, इक्वेशन नंबर 2। जितना टॉर्क होता है इक्विलिब्रियम एरिया में उतना ही काउंटर टॉर्क होता है, तो इन दोनों को आप कह दीजिए इक्वल बाय 1 एंड 2। एन आई ए बी इज इक्वल टू के फाइव और आई इज इक्वल टू और फाई इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन के इंटू आई। देखिए हम लोग यहां पे अगर देखें एन के नंबर टर्न, बी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया, के री स्ट्रेंथ ऑफ पॉइंट, ये पूरी क्वांटिटी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग ये कह सकते हैं फाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में करंट कम होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, करंट ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ये हो गया कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। अब इसके बाद के में हम लोग समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और सेंसिटिविटी।